हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए वीडियो पे। तो दोस्तों देखिए, कल रात को मैं ये सब ले आया था और अब देखते हैं आज संडे है, आज कितना सेल होगा देखते हैं। और आज इस अगल पास में एक पार्टी भी है तो शायद आज देखते हैं आज सब कुछ जा रहा है या नहीं सामान मेरा। उम्मीद है कोल्ड ड्रिंक्स भी जाने का, तो देखते हैं कितना सामान मेरा जा रहा है। और अभी ऑटो वाले का इंतज़ार है, उसी से सामान कुछ लेना है मुझे, तो अभी उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। और आज संडे है तो आज दुकान में मैं शांति से थोड़ा बैठूंगा क्योंकि बच्चे इधर नहीं आएंगे, उसके वहाँ के पास ही रहेंगे, तो थोड़ा अच्छा ही लगेगा। फिर देखते हैं शाम तक क्या हो रहा है। और दोस्तों आज संडे है तो आज मुझे एक्चुअली गाँव तरफ जाना था शूट के लिए, कॉमेडी शूट के लिए, पर जा नहीं पाया क्योंकि आज कैंसिल कर दिया लोगों ने। दो से तीन हफ्ता हो गया, तीन संडे चल गए, देखिए कुछ काम भी नहीं हो रहा। मैं चाहता हूँ कि हर संडे को मैं जाऊँ शूट करने के लिए मुझे, ताकि मैं ज़्यादातर सीख सकूँ और कुछ चीज़ें, पर हो नहीं पा रहा है। उधर भी कुछ प्रॉब्लम हो गया और एक दोस्त था जो वो मना कर दिया कि नहीं आज नहीं हो पाएगा, मैं कहाँ तो मना कर दिया, इसी वजह से कैंसिल करना पड़ा और जा नहीं पाया आज। आज एक्चुअली जाना था। दो तीन संडे ऐसे ही गुजर गए, काम कुछ नहीं निकल रहा है, तो बुरा लग रहा है मुझे कहीं नहीं, पर क्या करें, मैं अकेले भी कुछ नहीं कर सकता ना। जाना था एक्चुअली आज, अगर गया होता तो एक सूट आज हो गया रहता, बहुत ही लेट हो चुका है। और ऐसे जाने से मुझे कुछ सीख मिलता है, उधर से वीडियो शूट करने से, उधर कुछ मुझे शूट करने के लिए जाते हैं तब मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं सीख मिलता है, कि सीखने को मिलता है एक्टिंग में हो गया या कुछ कैमरा वगैरह के शॉट में, कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है, पर जा नहीं पा रहे हैं। अभी देखते हैं अभी अगले संडे को क्या हो रहा है, पर मैं बहुत ही पीछे हो जा रहा हूँ जैसा लग रहा है, मेरे बहुत टाइम बर्बाद हो जा रहा है मेरा, पर मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ जैसा लग रहा है मुझे। पर देखते हैं कब तक ऐसे होगा, और मेरे पास तो कुछ है नहीं जो मैं खुद का अभी स्टार्ट कर सकूँ, इस मोबाइल के सिवा और कुछ नहीं है। तो देखते हैं, बने रहेगा आप लोग मेरे साथ। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहे हैं 11:30 हो गए, और मैं अभी दुकान को कुछ थोड़ा सजा रहा हूँ। देखिए तो इतना बिस्किट है, ये बिस्किट जितने हैं ये सबको मैं एक तरफ रख रहा हूँ, यहाँ 10-20 वाले एक साइड में और 5 वाले उसके नीचे, और पूरा नीचे जो बच्चों की वजह से मैंने छोड़ दिया था खाली, उसमें सब साबुन रख दिए, पर अभी बच्चे परेशान करेंगे, फिर भी मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि खाली खाली लग रहा था और जगह थोड़ा कम पड़ रहा था जैसे लग रहा था, इसलिए मैंने देखिए ये वाला सब यहाँ पे था तो मैंने इसको अभी नीचे कर दिया है। बच्चे आएंगे तो संभालना पड़ेगा, और देखते हैं ये सबको भी अभी सजा दिया। देखिए बिस्किट, उधर वाला बिस्किट सबको इधर ले आया, और अभी सोच रहा हूँ कि इधर इसको भी कहीं पर हटा दूँ, इसके लिए जुगाड़ बनाना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ टांगना पड़ेगा मेरे को, यहाँ से कुछ टांगना पड़ेगा। तो अभी देखता हूँ, मैं यहाँ सोच रहा हूँ ये बिस्किट सबको उधर इधर रख दूँगा, उसके बाद मैं यहाँ से कुछ डिब्बा यहाँ पे चॉकलेट बिस्किट चॉकलेट्स का डिब्बा यहाँ पे कुछ रखूँगा, ताकि लोगों को दिख सके, क्योंकि दिख नहीं रहा, इधर छिपा हुआ है इसलिए दिख नहीं रहा, इसलिए सजा दे रहा हूँ। ये पेटी इधर रखा हुआ था, इसको यहाँ ले आया, देखते हैं अभी सजा रहे हैं तो कैसे सजाने के बाद दिखाता हूँ कैसे सजाया है, बने रहिएगा। अभी दिन के बज रहे हैं 1:30, और अभी चलिए दिखाते हैं, सॉरी अभी चलिए मैं दिखाता हूँ कुछ एक चीज़ जो जिसे खाने में बहुत ही टेस्ट लगता है, जो हमारे घर में बन रहा है, पर अभी दिखाऊंगा तो शायद हमारे घर के आदमी मुझे मना कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ दिखा रहे हो, मत दिखाओ बोल के बोल सकते हैं, पर मैं दिखाऊंगा। अभी मेरी वाइफ बना रही है, मतलब साफ कर रही है उसको, तो चलिए मैं दिखाता हूँ उसको। इसको खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, पर बहुत से लोग हैं जो घमंड दिखाते कि नहीं हम ये सब चीज़ नहीं खाते हैं, पर वो खाते हैं, उसको खाने के बाद वो बार बार खाने के लिए मांगते हैं, ऐसे ही चीज़ कुछ है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। मुझे लगता है कि अगर मेरी वाइफ है वहाँ बना रही है तो मुझे डांट सकती है, पर चलिए देखते हैं क्या होता है।
तो चलिए दोस्तों चलते हैं। मेरी वाइफ यहाँ पे बना रही थी, वाइफ तो नहीं है ये देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है। देखिए मेरी वाइफ जो है बच्चे को सुलाने चली गई है। तो ये है, इसके बोलते हैं झंडी मुंडी, मतलब गोड़ी मुड़ी, मतलब चिकन का मुंडी है और पैर है इसका, डेना वना सब कुछ है। तो यही चीज़ बनाया जा रहा है आज। मैं दो बार खाऊंगा। और ये बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों, शायद आपने कभी खाया हो। अगर खाए हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि ये चीज़ खाए हैं या नहीं। अगर नहीं भी तब भी कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, पर बहुत से आदमी इसको खाते हैं, बड़े चाव से खाते हैं, बड़े ही टेस्टी लगता है। पर बहुत से आदमी इसको बोलते हैं कि नहीं, हम लोग ये सब नहीं खाते हैं, बहुत ही छोटे लोग खाते हैं बोलते हैं। पर यकीन मानिए ये बहुत ही टेस्टी है। आप लोग जो भी खाए हैं या देखे हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। और मेरी वाइफ बना रही थी पर अभी थी नहीं, अगर अभी आएगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत ही टेस्टी होता है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अगर कभी 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 कहीं पर आप लोगों ने खाया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। झंडी मुंडी बोलते हैं हम लोग, आप लोग क्या बोलते हैं वही चीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों देखिए मैंने आज सजा लिया है इतना, कुछ तो अलग लग रहा होगा क्योंकि नीचे वाला खाली था, नीचे वाला भर गया है, यहाँ पे भी भर गया है और यहाँ पे भी भर गया है। मैं एक्चुअली डिब्बा को यहाँ रखूँगा सोच रहा था, पर डिब्बा को रखा नहीं, वहीं पर रह गया। और बाकी सब इधर इधर भी देखिए, यहाँ पे बिस्किट था तो बिस्किट जगह जाऊँ, अभी चॉकलेट का डिब्बा आ गया है देखिए। और यहाँ पे भी कुछ है और यहाँ जैसे तैसे इधर भी कुछ अभी भरा भरा लग रहा है। तो बाहर से देखते हैं तो पूरा अभी सब कुछ भरा भरा लग रहा है देखिए। तो इतना सजान था अभी, और एक काम बाकी है कि मेरा वो जो बैनर था उसको यहाँ बाहर पर लगाना है। तो अभी शायद मेरी वाइफ बना रही है, तो चलिए देखते हैं, अभी डांटेगी शायद, पर देखते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग का झंडी मुंडी बन रहा है देखिए, ये रहा हम लोग का झंडी मुंडी। देखिए कैसा टेस्टी दिख रहा है, तो इसी के साथ रात को खाना खाया जाएगा। अभी कोई खाना नहीं खाया है, आज सब छुट्टी मना रहा था संडे का। जाहिर जा देख रहे हैं, फिर से देख रहे मुँह से पानी आ रहा है। तो देखा दोस्तों आपने, हम लोग का झंडी मुंडी बन भी गया है और रेडी हो रहा है अभी। तो टेस्टी बन रहा है बहुत ही, मुझे तो अभी अभी से पानी आ रहा है मुँह में। और बगल में पार्टी हो रहा है तो उधर का तो हम लोग जा नहीं सकते हैं, कुछ कारण है हम लोग के घर में, इनवाइट है फिर भी नहीं जाते हम लोग, खाने के लिए थोड़ा नहीं बनता इसलिए नहीं जा रहे हैं। पर मन तो है, इसलिए वाइफ ले आई थी इसको बनाने के लिए, तो अभी बना के खा सकते। अभी रात का इंतज़ार है, कब रात हो और कब मैं वो पीस जाए मुँह में, मन को शांति मिलेगा। भूख भी बहुत लग रहा है, मैं तो सोच रहा हूँ कि अभी ऐसे जाके थोड़ा सा खा लूँ, पर भाग भाग के साथ खाना पड़ेगा, चावल के साथ खाना पड़ेगा, भूख भी लग रहा है। तो रात का इंतज़ार है, देखते हैं कब तक, कब रात होगा पता नहीं, बने रहिएगा आप लोग मेरे साथ। दोस्तों देखिए अभी ये शाम के 5:30 बज रहे हैं और मेरे दोनों हीरो घूमने जा रहे हैं अभी देखिए। ओए अरे आ जा, देख आ गया था वीडियो, आसा जल्दी आसा जा, भाग एक दिल छुआ था वीडियो, जा बोलू जा। तो दोस्तों देखिए ये लोग घूम के आ गया है, शाम हो चुका है, अभी ये लोग घूम के आ गया है देखिए। और मैंने ये बैनर जो था लगा दिया देखिए, ये साइड पर लगा दिया क्योंकि सामने से जगह नहीं हो रहा था, मेरे को ऊपर में लगाने से होता पर नहीं लगाया, ये साइड से लगा दिया देखिए। और ये छोटा छोटा जो ये सब मिल रहा था इसको भी मैंने लगा दिया है, चारों तरफ लगा दिया ये देखिए बस। और यही वाला मेरे सामने रहता तो अच्छा होता, ऊपर में जिस टाइप का बैनर सोचा तो उस टाइप का मिला नहीं, पर चलेगा। तो है दोस्तों आज अभी 9 बज गया है, और दोस्तों आज कोल्ड ड्रिंक्स मैंने 25 पीस बेचे हैं आज,
मतलब आज रिकॉर्ड तो रह गया मेरा कि 25 पीस कोल्ड ड्रिंक्स चला गया आज मेरा, वही देख रहा था कितना पीस गया है, तो 25 पीस गया आज। और दोस्तों अभी 9 बज रहे हैं तो मैं दुकान बंद करता हूँ, अभी भूख भी लग रहा है, दिन में खाए नहीं थे सही से, तो अभी दुकान बंद करते हैं और फिर खाएंगे हम लोग का झंडी मुंडी, मैं दिखाऊंगा आपको, बने रहिएगा। दुकान बंद करके मैं जा रहा हूँ खाने, उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको अपना झंडी मुंडी खा देंगे। तो भाई दोस्तों अभी देखिए रात के 10 बजने वाले हैं और मैं दुकान बंद करके खाना खाने पहुँच गया हूँ। और ये देखिए मैं खाना खाने बैठा ही हूँ और ये हो गया मेरा देखिए झंडी मुंडी, ये देखिए कब मुंह में जाएगा जैसे लग रहा था, अभी बहुत ही भूख लग रहा है। तो इसके लिए देखिए चावल में मैंने ज़्यादा निकाल लिया है, ये टमाटर चटनी है और ये झंडी मुंडी, और इसको अभी मुझे खाना है। तो बहुत ही टेस्टी है दोस्तों, अगर कभी खाए हैं तो आप लोग कमेंट करिएगा प्लीज़। और आज का ब्लॉग बस यही ख़त्म करते हैं और मैं खाना खा के सो जाऊंगा, तो मिलते हैं कल के ब्लॉग पे, तब तक के लिए गुड नाइट।